अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदा मंद होगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स को है वो सॉल्व करेगी। वीडियो जो है वो इसके बारे में है, देखिए जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सोल्यूशन टू करेक्ट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन फैमिली विजिट वीजा डॉक्यूमेंट ऑन सऊदी मोफा वेबसाइट। कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है? इनकरेक्ट पासपोर्ट नंबर हो सकता है, इशू डेट और एक्सपायरी डेट, इनकरेक्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत हो गई है अगर आपका जो फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन आपने फिलअप सबमिट करवा दी है या वीज़ा भी जो है वो इशू होके आ गया है, वीज़ा अप्रूव हो गया है सऊदी मोफा वेबसाइट से, तो उनका जो सोल्यूशन है अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आती है आपके वीज़ा के ऊपर या जैसे भी आपको पता चलता है, तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तीन मराहल पे जाके, तीन स्टेप्स पे जाके आपको पता चलता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है और उनका अलग अलग जो है वो सोल्यूशन है। नंबर वन जो है, ऑब्जर्व इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बिफोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि गुरफा तजारिया करवाने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपकी जो आपने जो फैमिली विजिट वीजा की जो एप्लीकेशन जमा करवाई है उसके ऊपर तो पासपोर्ट ही गलत लिखा हुआ है एप्लीकेंट का, या डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो गलत आपने लिखी हुई है या टाइप की थी आपने, या किसी भी तरीके से वो गलत जो है वो शो हो रही है, तो आपने क्या करना है, उस पेज को फाड़ देना है। आपने नए सिरे से जो है वो एप्लीकेशन फिलअप करनी है ऑनलाइन, पहले को कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगी जब आप नई फिलअप करेंगे, ठीक है। तो जो आप नई एप्लीकेशन फिलअप करेंगे उसको प्रिंट करके फिर वो नए वाली आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाने के लिए भेजनी है। दूसरे आपको कब पता चलता है, ऑब्जर्व इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपने जो है एप्लीकेशन जो है वो फिलअप की, उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाने के लिए भेजा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हो गया, फिर आपको पता चलता है कि ये तो पासपोर्ट नंबर गलत था या डेट ऑफ बर्थ गलत थी, नेम गलत था, कुछ भी गलत था, फिर आपने क्या करना है, उस टाइम तो वीज़ा अभी अप्रूव नहीं हुआ, मीन्स के अंडर प्रोसेस ही है, आपने अगेन दोबारा जो है नई एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करनी है, नया फॉर्म फिलअप करना है और पुराने वाले को भूल जाना है, ठीक है। नंबर तीन पे जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने जो है ऑब्जर्व्ड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर फैमिली विजिट वीज़ा अप्रूवल और इतमाद सेंटर रिजेक्टेड द वीज़ा परमिट। अगर तो वो जो वीज़ा डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया था सऊदी मोफा वेबसाइट से, वो अप्रूव हो गया था या आपको तब भी पता नहीं चला या इतमाद सेंटर पे जाके पता चला कि कुछ इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी उसके ऊपर, डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट थी एप्लीकेंट की या नेम था या पासपोर्ट नंबर कुछ भी इनकरेक्ट था, तो तब इतमाद सेंटर वाले रिजेक्ट करते हैं, तो फिर इन दैट केस आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है वो ये मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपने एप्लीकेशन फिलअप करनी है दोबारा मोफा वेबसाइट के ऊपर, तो जब आप अपना इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो सबसे पहले ये वाली ऊपर वाली डिटेल शो होती है, ठीक है। इस डिटेल में आपने ये जहाँ अनुमान अरबिक में अनुमान लिखा होता है, इंग्लिश में एड्रेस लिखा होता है, इस एड्रेस की जगह के आपके ऊपर आपने एड्रेस नहीं लिखना, इसकी जगह आपने जो वीज़ा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है जिसके ऊपर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी उसका डॉक्यूमेंट नंबर, ये जैसे ये डॉक्यूमेंट नंबर जो है ये नए वाली एप्लीकेशन, ये एड्रेस की जगह पे वीज़ा नंबर जो है वो लिख देना है, सिर्फ वीज़ा नंबर लिखना है। फिर जब आप उसको डिटेल में आगे जाकर दोबारा एप्लीकेशन जो फिलअप करेंगे करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, वो जब सबमिट होगी तो वो सऊदी मोफा खुद ही जो है वो टैली कर लेगा, इसको जो है देखेंगे कि पहले भी इनका वीज़ा है, तो वो फिर जो उसमें देखेंगे किस वजह से इन्होंने जो है सबमिट करवाई है दोबारा, तो वो खुद ही एडिट करके आपको नया वीज़ा डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे। इन केस अगर आपका नया जो वीज़ा है वो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा इशू नहीं होता, लेकिन वो रिमार्क्स देंगे अरेबिक में रेड कलर में, तो वो आपने अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करनी है, इंग्लिश में या जो भी उर्दू में जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसको आप बेटर अंडरस्टैंड करते हैं उसमें जो है कन्वर्ट करके आपने देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। वो यूजली यही कहते हैं कि आपकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन जमा हुई थी, प्रीवियस जो वीज़ा इशू हुआ है उसमें जो है वो एडजस्टमेंट उन्होंने कर दी है, तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो अभी वो फिर वो क्या करना है, आपने वही डिटेल का प्रिंट लेना है और उसको प्रिंट करके जो पुराना वाला प्रीवियस वीज़ा था उसके साथ अटैच करके इतमाद सेंटर में सबमिट करवा देनी। ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो पसंद हुई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।